जय हिंद दोस्तों, यूपी ट्रिपल SC पेट केस विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, अर्थात लाभ हानि और छूट। अर्थात यह पूरा टॉपिक व्यापार पर आधारित है। व्यापार में किस प्रकार लाभ होता है, किस प्रकार हानि हो जाती है और किस प्रकार छूट दिया जाता है और छूट के बाद भी किस प्रकार लाभ कमाया जाता है, ठीक है। इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इस पर आधारित जितने प्रश्न बन सकते हैं, आगामी आने वाली कक्षाओं में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको लाभ हान या डिस्काउंट बिल्कुल समझ में नहीं आता तो आप ये सीरीज पूरी देख लीजिए, आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी, किस प्रकार लाभ होता है, किस प्रकार हान होती है, ठीक है, कब लाभ हान नहीं होता, ठीक है। इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं सबकी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, यह एक निवेदन है। और इसके बाद अपने प्रश्नों को देखते हैं कि कब कब लाभ होता है, ठीक है। व्यापार में तीन चीजें होती है, या तो व्यापार में लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो ना तो लाभ होगा या ना तो हानि होगी। यही तीन चीजें व्यापार में होती हैं, लेकिन ये तीन चीजों के होने की जो क्रिया होती है अलग अलग होती है, ठीक, अलग अलग तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले इन तीनों को देखते हैं, लाभ कब होता है, व्यापार में लाभ कब होता है। जैसे जब कभी भी व्यापारी का जो क्रय मूल्य, व्यापारी ने जितने में वस्तुओं को खरीदा है, अर्थात कास्ट प्राइस, जो व्यापारी का क्रय मूल्य है यह विक्रय मूल्य से जब कम होगा, या दूसरे शब्दों में कहें व्यापारी का जो विक्रय मूल्य है वह यदि क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। तो व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा। यदि लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितने का लाभ होता है, ठीक है, यदि पूछा जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अर्थात लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो जितने का लाभ होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। और व्यापारी ने जितने में वस्तुओं को खरीदी थी, अर्थात व्यापारी ने जितना लागत लगाया था उस वस्तु पर, उसको नीचे रखते थे, क्रय मूल्य को हम लोग नीचे ले रख देते हैं, ठीक, क्रय मूल्य को नीचे रख दिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मान आएगा हमारा, ये क्या आएगा हमारा, लाभ प्रतिशत, ये क्या होगा हमारा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि व्यापार में ना तो लाभ हो ना तो हानि, अर्थात व्यापारी ने जितने में वस्तु को खरीदा था, मतलब व्यापारी का जो क्रय मूल्य था, ठीक, वह विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 1,000 की वस्तु व्यापारी ने खरीदी तो 1,000 पे बेच दी, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट और लाभ दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो ये दोनों बराबर हो जाता है जीरो, ठीक है। यहाँ ना तो लाभ होता है ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की हानि होती है। तीसरी कंडीशन ये बनती है, ठीक है, तीसरी कंडीशन बनती है कि जितने में वस्तु को खरीदा था व्यापारी ने, ठीक है, व्यापारी का जो क्रय मूल्य था वो ज्यादा हो जाए किसी कारण, मान लेते उसे घर में पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसको पैसा चाहिए तो वो अपने सामान को सस्ते पर बेचते, या तो सामान खराब हो रहा है, ठीक है, उसे जल्दी निकालना है तो सामान को क्या करेगा, क्रय मूल्य से कम दाम पर वो बेचने को तैयार हो जाएगा। तो क्रय मूल्य जो ज्यादा है, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो यहाँ पे हमारा क्या निकलता है, लॉस या हानि, यहाँ पे हानि आएगा, ठीक है। और हानि प्रतिशत यदि हमें निकालना हो तो जितने की हानि हो, हानि प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो जितने की हानि होती है उसको आप ऊपर रखते हैं, ठीक है, हानि जितने की, जितने रुपए की होती है उसे आप ऊपर रखते हैं, नीचे आप उसे क्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है। यहाँ हमेशा क्रय मूल्य रखा जाएगा, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, ठीक है, गुणे 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है हानि पर। तो पूरे व्यापार में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, या तो व्यापार में लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो क्या हर समय क्रय मूल्य पर ही लाभ हो हानि निकाला जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है, हर समय क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि
नहीं निकाला जाता है, ठीक है। जैसे यदि मैं आपको बताऊं, मान लेता हूं कि मैं मुझे एक गाय लेनी है, ठीक है, मुझे एक गाय लेनी है, वो गाय लेने के लिए मैं अंबेडकर नगर से लखनऊ आता हूँ, ठीक है, लखनऊ आता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 50,000 की एक गाय लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, 50,000 की एक गाय खरीदी। अब इसे तो मुझे अंबेडकर नगर ले जाना है, ठीक है, अंबेडकर नगर नगर ले जाने के लिए मैंने DCM वाले से बात की, उसने बताया कि 10,000 रुपये लेंगे, तो 10,000 हमने DCM वाले को दे दिए। अब गाय को हमें बेचना है, लेकिन बेचने में 5 दिन लग गया, ठीक है, 5 दिन बाद गाय बिकी, तो गाय प्रतिदिन कुछ खा रही है, तो मान लेते हैं प्रतिदिन गाय 100 रुपये का भूसा और 100 रुपये का चोकर खा रही है, ठीक है, प्लस 100 रुपये का चोकर खा रही है, तो 5 दिन ये रही थी, 200 रुपये पर डे इसके खाने का खर्चा है, 5 दिन वो रही, पूरे 5 हमने किया, मतलब 1,000 रुपये वो गाय को हमने खिला दिया, ठीक है। अब छठे दिन गाय बिकी और हमने ये सोचा है गाय को हम 10% लाभ पर बेचेंगे, तो गाय को क्या हम 50% पे 10% लेके बेचेंगे? अगर हम 50% पर 50,000 पर 10% लेके बेचेंगे तो 50,000 का सीधे 110% कर लेंगे, 10% लाभ मिल जाएगा, इसको हम बेचेंगे अगर तो 1,023 इसके, 1/4 इसका, और 11,55 गाय को हम कितने में बेच देंगे, 55,000 में बेच देंगे, ठीक है, यदि हम क्रय मूल्य पर बेच देते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या, क्रय मूल्य तो जो लगा लगा है उसमें कुछ लागत और जुड़ गया है, 10,000 किराया जुड़ गया है, 1,000 क्या है गाय को खिलाने में जुड़ गया है, तो अब क्या हुआ है, एक्चुअल में गाय का जो लागत मूल्य है वो कितना हो गया है, 50,000 उसका जो क्रय मूल्य गाय का, 10,000 किराया जुड़ गया, ठीक है, 1,000 क्या हो गया, 1,000 गाय को खाना खिलाने में खर्चा हो गया। अब ये टोटल जोड़ने के बाद गाय का जो लागत मूल्य आया वो आया कितना, 5,6,6,6,100 रुपये। अब यदि हमें लाभ लेना है 10%, तो हम 61,000 रुपये पर 10,000 रुपये 10% हम लाभ जोड़ेंगे, तो 61,000 का 10% कितना होगा, काटेंगे तो हो जाएगा 6,100। कहने के मतलब 61,000 में हमें 6,100 रुपया और ऐड करना होगा, ठीक है, 0,01,6,7,67। तो कहने का मतलब यदि 50,000 की गाय पर, ठीक है, हमें 10% लाभ लेना है, तो अब उस पर लागत और खर्चा होगा, तो लागत को जोड़कर जितना आएगा उस लागत मूल्य पर हम क्या करेंगे, 10% ऐड करेंगे, तब जाके हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा 10% का। तो वो गाय कितने की बिकी, 67,100 रुपये, ठीक है। तो हमेशा जो क्रय मूल्य होता है उसी पर हम लाभ या हानि नहीं निकालते हैं, कभी कभी हमें उस लागत मूल्य पर भी क्या, लाभ हानि निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं, एक एक प्रश्न हल करेंगे, उस प्रश्नों के आधार पर हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार लाभ हानि और घाटा होता है, तो धीरे धीरे ये सब टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर, देखिए यह एक ऐसा दुकानदार था जो चिल्ला रहा है कि जितने का मैंने खरीदा था उतने में मैं आपको बेच रहा हूं, ठीक है, दामे दाम कर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि जितने की मैंने वस्तु खरीदी थी उतने की मैं आपको बेचने को तैयार हूं, ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा ठीक है मुझे 1 किलोग्राम दे दीजिए, तो मान लेते हैं 1 किलोग्राम में को उसने 1,000 रुपये में खरीदी, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम वस्तु किसी ने कहा हमें दे दीजिए, तो 1,000 ग्राम मान लेते हैं उस व्यापारी ने 1,000 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, 1,000 रुपये में खरीदी थी। अब इस वस्तु के लिए जो ग्राहक होगा वो कितना रुपया पेड करेगा, वो देगा 1,000 रुपये, ठीक है, ग्राहक क्या देगा, ग्राहक उस व्यापारी को 1,000 रुपया दे देगा,
लेकिन व्यापारी ने क्या किया, 1,000 ग्राम ना तौल के, ठीक है, व्यापारी क्या करता है, 1,000 ग्राम नहीं देता, वो उस ग्राहक को 950 ग्राम ही तोलता है, क्योंकि एक गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। जब वो 950 ग्राम तोला, तो 950 ग्राम पर उस व्यापारी की लागत कितनी लगी, 950 रुपया। अब व्यापारी ने क्या किया, 950 रुपये की वस्तु, ठीक है, 950 रुपये की वस्तु 1,000 में बेच दी, ठीक है। कैसे उसने बेची, उसने गलत बाट का प्रयोग, ग्राहक को पता है कि मैं 1 किलोग्राम लेके जा रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया, गलत बाट का प्रयोग करके 1,000 की जगह पे 950 ग्राम ही तौला, ठीक है। इस प्रकार उसे लाभ कितना हुआ, ठीक, उसे लाभ हो गया, 1,000 से 950 आप घटाएंगे तो 50 रुपए का उसे लाभ। इस 50 रुपए का लाभ कमाने के लिए व्यापारी को कितने ग्राम वस्तु बेचनी पड़ी, 950 ग्राम, अर्थात 950 रुपए की वस्तु बेचनी पड़ी। तो व्यापारी का जो लागत मूल्य था वो कितना रहा, अब व्यापारी का बेचने पर जो 50 ग्राम काट के बेचा है, इस पर उसका लागत मूल्य कितना हुआ, 950 रुपये, लाभ कितना हुआ, 50 रुपये। तो लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो जितने का लाभ हुआ 50 रुपये का, कितने पर लाभ हुआ, क्या व्यापारी ने 1,000 ग्राम दिया था, नहीं दिया था, 950 ग्राम ही बेचा है, तो 950 ग्राम पे लाभ हुआ ना, 950 पे लाभ हुआ। गुड़े आप इसको हल करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे ये जाएगा 19 बार, 19 25 95 होता है, 19 से इसे काटेंगे, 19 25 95, 5 सही, 5/19 प्रतिशत का व्यापारी को क्या हो गया, लाभ हो गया। यह कहने पर कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, 1,000 रुपये किलो मैंने खरीदा था, 1,000 रुपये किलो मैं आपको बेच दे रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा है, 1,000 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम ही तोल रहा है। कहने का मतलब वो 50 ग्राम वस्तु बचा ले रहा है, ठीक है, 50 ग्राम वस्तु को क्या कर रहा, बचा ले रहा है। इस 50 ग्राम वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, जब 1 ग्राम वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 50 ग्राम का क्या हो जाएगा, 50 रुपये। 50 रुपये का लाभ उसने कितने पे कमाया, 950 रुपये पे, ठीक है, 950 ग्राम तो बेचा, 950 रुपये, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 950/950 गुड़े 100 बराबर आ जाएगा, 5/19% का उसे लाभ होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता, अब ये क्या कह रहा है, मैं वस्तु को 20% लाभ पर बेचूंगा, ठीक है। तो ग्राहक ने कहा ठीक है भाई, आपने लाया इतना दूर से, अपने दुकान में रखा, बैठे समय दे रहे हैं, आप 20% लाभ ले लीजिए, ठीक है। लेकिन दुकानदार का क्या बेईमान है, उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही वस्तु उस ग्राहक को तौली, ठीक है, तो अब देखिए उसे कितने पर लाभ होगा, ठीक है। अब ग्राहक को चाहिए था 1 किलोग्राम वस्तु, कहने का मतलब 1 किलोग्राम वस्तु ग्राहक ने खरीदी, तो व्यापारी को 1 किलोग्राम वस्तु मान लेते हैं, मतलब 1,000 ग्राम की वस्तु व्यापारी को कितने में पड़ी, 1,000 रुपये में, ठीक है, ये हमने मान लिया। व्यापारी ने कहा कि इस 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम की वस्तु को मैं 20% लाभ लेके बेचूंगा, तो ग्राहक ने कहा ठीक है आप बेच लीजिए, तो उसने 1,000 रुपये पर 20% का लाभ जोड़ दिया, मतलब गुड़े 120/100 कर दिया। जब ये इसने किया तो इसका दाम हो गया 1,200 रुपये। अब ग्राहक ने मुझे जेब से 1,200 रुपये दिया, ठीक है, ग्राहक ने किया क्या, 1,200 रुपये अपने जेब से दिया और वह 1 किलोग्राम सामान लेके चला गया, 1,200 रुपये ग्राहक ने इसको दे दिया। लेकिन व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने इसको धोखा दिया, उसने 1,000 ग्राम की जगह पर कितना तौला, 900 ग्राम तौला, 1,000 ग्राम की जगह पे कितना तौला, 900 ग्राम ही तौला। तो एक्चुअल में जो व्यापारी था उसने कितने रुपए का सामान बेचा, 900 ग्राम बेचा, तो कहने का मतलब यह है कि उसने एक्चुअल में 900 रुपए का सामान बेचा, लेकिन ग्राहक से उसने कितने ले लिए,
1200 रुपये, ग्राहक से उसने कितना ले लिया 1200 रुपये, 1200 से 900 अगर हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 300 रुपये। तो कहने का मतलब उस व्यापारी को टोटल लाभ कितना हुआ 300 रुपये का, लेकिन व्यापारी को 300 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का सामान बेचना पड़ा, उसने 900 ग्राम बेचा है ना, 900 ग्राम का कितना हो जाएगा 900 रुपये, मतलब 300 रुपये कमाने के लिए उसे 900 रुपये का सामान बेचना पड़ा, और उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। ये 300 रुपया क्या था, लाभ था, ये क्या था लाभ था, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा जितने का उसने सामान बेचा था। इसको हल करेंगे 300 जाएगा 3 बार, और इसको काटेंगे ये जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ। ठीक है, उसने बताया ग्राहक को मैं 20% का लाभ कमा रहा हूं, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके उसने टोटल कितना कमा लिया 33 सही 1/3 प्रतिशत। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, दूसरी बात वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपके प्रॉफिट लॉस से संबंधित हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं इसी से संबंधित, जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता, दुकानदार क्या करता है वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, कहता है कि मैं 25% लाभ पर ही वस्तु को बेचूंगा, लेकिन यहाँ पे वो 900 ग्राम के स्थान पर, मतलब किसी ग्राहक को 900 ग्राम सामान चाहिए था, तो व्यापारी ने बोला कि मैं इस पर 25% लाभ लेकर आपको बेच दूंगा। तो ग्राहक ने कहा ठीक है, आप हमें 25% लाभ लेकर बेच दीजिए। तो व्यापारी ने लेकिन किया क्या, व्यापारी ने गलत बाट का प्रयोग किया, 900 ग्राम के आधार पर 750 ग्राम ही तोला। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए मान लेते हैं 900 ग्राम उस वस्तु का दाम कितना था, मान लेते हैं 900 ग्राम वस्तु का दाम कितना था 900 रुपये थे। ठीक, 900 रुपये थे। अब व्यापारी ने कहा कि हम इस पर 25% लाभ लेंगे, तो कहने का मतलब अब वो ग्राहक को कितने में बेचेगा, 900 पर वो 25% का लाभ लेगा, मतलब 125% से गुणा कर देंगे। एक मिनट, एक सौ पच्चीस से गुणा करके, ठीक, 100 से भाग देंगे, इसको काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से इसे काटेंगे ये जाएगा 4 दुनी 8, 4 दुनी 8 और 4 पंचे 20, 5 का 225 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 25, 5 दुनी 10 2 12, 5 दुनी 10 1 11। कहने का मतलब ये है कि वह ग्राहक को 1125 रुपये में सामान बेचने को राजी हो गया, लेकिन उसने किया क्या, उसने 900 ग्राम के आधार जगह पे 900 ग्राम को सामान बेचना था, 900 ग्राम की जगह पे उसने बेचा कितने सामान 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम, तो यहाँ पर उसने कितना धोखा कर लिया। ठीक है, 950 रुपये का सामान 950 की जगह पे अगर उसने 750 ग्राम ही तोला, तो टोटल कितने रुपए का उसने यहाँ पे लाभ कमा लिया, 750 ग्राम हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 5 और 8 में से 7 गए 1, 150 रुपए का लाभ उसने यहाँ पे कमा लिया, 150 ग्राम कम तोला, तो अगर 900 ग्राम का दाम हो गया 900 रुपये, 150 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये, तो टोटल लाभ कितना हो गया, एक मिनट, हमें टोटल लाभ निकालने के लिए स्टेप करने की जरूरत हमें नहीं थी, बिना इसको किए हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि प्रश्न में कहा गया कि 900 ग्राम के आधार जगह पे उसने कितना तौला 750 ग्राम, तो 750 ग्राम वस्तु का जो दाम होगा कितना हो जाएगा 750 रुपये।
ठीक है, उसने एक्चुअल में जो सामान तौल के दिया उसका दाम कितना था, 750 रुपये। ठीक है, जो ग्राहक जो दुकानदार था उसका उस वस्तु पर कितना रुपया खर्चा हुआ था, 750 रुपये। उसने बेचा कितना, 1125 रुपये में। लाभ कितना हुआ उसे, 1125 से 750 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा, 7 आएगा, उसके बाद 10 में से 7 ये आएगा, 3 आएगा। 375 रुपये का उसे टोटल लाभ हुआ। इस 375 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कितने रुपए की वस्तु बेची, 750। ठीक है, एक्चुअल में 750 रुपये की बेची, कहने के लिए तो 900 रुपये की वस्तु बेचा था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितने की बेची, 750 रुपये की। तो 375 बटा 750 गुणे 100 कर देंगे, इसको हल करेंगे, ये 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे, ये जाएगा 50। ठीक है, इस प्रकार उसे इस पूरे व्यापार पर कितने का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। ठीक है, उसे पूरे व्यापार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। अब एक और प्रश्न देखते हैं इसी से रिलेटेड, जिससे थोड़ा और क्लियर हो। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है। अब दुकानदार क्या कह रहा है कि मैं वस्तु को अपनी हानि पर बेचूंगा, घाटा सह के बेचूंगा, लेकिन वो तुट पुट बाट का प्रयोग करके वहां भी बाट का या बदल दे रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दुकानदार कह रहा है कि मैं वस्तु को 10% हानि पर बेचूंगा। मान लेते हुआ कोई ग्राहक आता है, बोलता मुझे 1 किलोग्राम वस्तु दे दीजिए। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में होता 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम वस्तु का दाम हम मान लेते हैं 1000 रुपये। ठीक, लेकिन आज ग्राम जो दुकानदार था बोला मैं 10% हानि पर बेचने को तैयार हूँ। तो 10% हानि का बेचने का मतलब हो गया कि जो वस्तु 1000 रुपये की थी उस पे क्या हो जाएगा, उस पे उसका 90% दाम ही देना होगा। ठीक है, 90 गुणे हल करेंगे मतलब आ जाएगा आज वह उस वस्तु को 900 रुपये में देने को तैयार है। लेकिन दुकानदार करता क्या है, दुकानदार चालाक है, उसने बाट बदल दी, ऐसा बाट प्रयोग किया जो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, ऐसे बाट का प्रयोग कर लिया कि जो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम तौलता है। कहने का मतलब वह ग्राहक को बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल मुझे 800 ग्राम दे रहा है। जब वो ग्राहक को व्यापारी 800 ग्राम सामान दे रहा है तो व्यापारी का कितना लागत लगा, तो 800 ग्राम का 800 रुपये, इतना ही तो व्यापारी का लागत लगा, 800 रुपये उसकी लागत लगी। ठीक है, इस पे 800 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेच दिया, 900 रुपये में। लाभ कितना हुआ उसे, 900 माइनस 800 अर्थात 100 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये का लाभ कितने रुपए पे हुआ भाई, सामान उसकी जो लागत मूल्य थी 800 रुपए की, क्योंकि 800 ग्राम सामान बेचा उसने, तो 100 बटा 800 गुणे 100। हल करेंगे, 2 जीरो इसके कट जाएंगे, 8 से काटेंगे, 8 से नहीं जाएगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 5 सही हम 100, 2 से इसे काटेंगे तो यह जाएगा 12 सही 1/2 पर। टोटल उस व्यापार में 10% की हानि पर बेचने के बाद उस व्यापारी को 12.5% का क्या हुआ, लाभ हो गया। 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि उसने गलत बाट का प्रयोग किया, उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोला। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, दाढ़ी मारने में, गलत बाट का प्रयोग करने में बहुत फायदा है व्यापारियों का। तो इन सब चीजों पर आप आगे से ध्यान रखिएगा जब कोई चीज आप खरीदने जाइए। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा दे करता है। ठीक है, वह जब वस्तु को खरीद रहा होता है उसी समय 30% का धोखा कर लेता है। कहने का मतलब, यदि वह 1 किलोग्राम वस्तु लेता है, या 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम वस्तु लेता है, तो 30% दाढ़ी मार लेता है, मतलब 30% दाढ़ी मार लेता है, मतलब 30% ज्यादा सामान ले लेता है, मतलब 1000 का 130/100 कर देंगे, मतलब जब वो खरीदने गया था 1000 ग्राम सामान लेने, तो इस प्रकार उसने तौला खुद ही तो 1300 का सामान ले लिया।
अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि मैं इसे 20% लाभ पर बेचूंगा। अब 1300 के सामान को अब उसे 20% लाभ पर बेचेगा, तो 1300 गुणे 120 बटा 100, ठीक है, इसी पे बेचेगा। अब इसको हम हल करें, 0 से 0 कट गए, 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 में, 1300 का 0 में गुणा करेंगे 0, 13 दूनी 26, 6 अलावा 2, 13 के 13 2। अब कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु के लिए व्यापारी ने 1000 रुपये दिया था, ठीक है, व्यापारी ने क्या किया था, 1 किलोग्राम वस्तु किसी से ली थी, 1 किलोग्राम वस्तु को उसने 1000 रुपये में किसी व्यक्ति से खरीदी थी, तो उसे उसे कितना दिया इसमें व्यापारी ने, 1000 रुपये दे दिए, मतलब सामान एक्चुअल में था 1000 रुपये का। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, खरीदते समय धोखा किया, तौलते समय उसने 300 ग्राम ज्यादा तौल लिया, मतलब वो 1300 ग्राम सामान तौल के लेके आया, 1300 ग्राम सामान तौल के लाया। अगर 1000 ग्राम सामान का दाम 1000, तो 1300 ग्राम सामान का दाम कितना हो गया, 1300 रुपये। अब वो बोल रहा है कि अब इस सामान को मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, तो 1300 का 120 बटा 100 कर देंगे, तो 20% लाभ आ जाएगा, मतलब 1560 रुपये का उसने सामान बेचा। खरीदा कितने में था, 1000 रुपये में, लाभ कितने का हुआ, 1000 इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 560 रुपये का लाभ हुआ। इस 560 रुपये का लाभ लेने के लिए उसने कितने का सामान खरीदा था, 1000 रुपये का, तो 560 लाभ बटा जितने का उसने खरीदा था उससे भाग दे देंगे, गुणे 100 कर देंगे, हमें पता चल जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 2 जीरो इसका काट देंगे। कहने का मतलब उसे उस पूरे व्यापार में 56% का लाभ हुआ, जबकि देखने में लग रहा था कि 30% का धोखा किया, 20% का लाभ कमा रहा था, 50%। लेकिन इस प्रश्न में इतना सब करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा फार्मूला है, ठीक है, उससे हम अप्लाई करेंगे, ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, यदि व्यापारी 2 बार लाभ कमाता, एक बार खरीदते समय, एक बार बेचते समय, तो इस कंडीशन में लाभ प्रतिशत मतलब पी प्रतिशत बराबर हो जाएगा यक्स प्लस यक्स वाई बाई। खरीदते समय उसने कितना धोखा किया, 30% का 30 आप रख दीजिए, बेचते समय कितना लाभ कमाया, 20% का, तो 20 रख दीजिए, प्लस 30 गुणे 20 कीजिए क्योंकि यक्स गुणे वाई है, बटा 100। इसको आप हल कीजिए, 0 से 2 जीरो कट गए, 30 20 कितना हो गया हमारा, 50 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 56%, 1 लाइन में हमारा ये सवाल लग जाएगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 56। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 5 प्रकार के प्रश्नों को देखे, ठीक है, उसको बहुत साधारण भाषा में हल करने की कोशिश की। हमने आपको बताया कि जब व्यापारी जितने का खरीदा उतने पे बेच रहा हो, अगर गलत बात प्रयोग करा तो कैसे लाभ कमाता है, कुछ लाभ लेके बेच रहा है तब गलत बाट का प्रयोग कर रहा तब कैसे लाभ कमा रहा है, ठीक है, हानि पर बेच रहा है और गलत बाट का प्रयोग कर रहा तब कैसे लाभ कमा रहा है, और खरीदते समय धोखा करा बेचते समय लाभ कमा रहा है, तो टोटल कितना लाभ कमा रहा है। इस प्रकार हमने 5 प्रकार के प्रश्नों को देखा, ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल कुछ और प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। धीरे धीरे इस प्रतिशत का जो ये टॉपिक है लाभ हानि और बट्टा, ठीक है, इस पर हम अपना पूरा कमांड बना, ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।